नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी खबर बताएंगे जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में शशिकांत दास जो RBI के गवर्नर हैं उनके ऊपर केस फाइल की गई है। मामला कुछ ये है कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अजय कुमार मानके जी, जो कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में रहते हैं। उन्होंने बैंक से 2 लोन लिए थे, लेकिन बैंक ने उनके अकाउंट को अक्टूबर महीने में ही NPA घोषित कर दिया, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक होने की वजह से उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ठप हो चुका था और वो पैसे नहीं भर पा रहे थे। लेकिन फिर भी उनके अकाउंट, 2 अकाउंट थे, उसमें से एक अकाउंट रेगुलर था और एक में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं थी। तो बैंक ने उनके दोनों अकाउंट को NPA कर दिया और इसको लेकर के वो काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने सीधे डायरेक्ट विशाल तिवारी जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं और जो कि बारोवर के तरफ से PIL फाइल करके लोन मोनिटोरियम के लिए वो फाइट करते आ रहे हैं और मैं कई वीडियो में उनका नाम ले चुका हूं, तो उन्होंने उनकी मदद से, यानी अजय कुमार जी ने विशाल तिवारी जी की मदद से सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल की है। तो क्या कुछ यह मामला है और किस प्रकार से यह केस दर्ज हुआ है सीधे सीधे RBI के गवर्नर शशिकांत दास जी के ऊपर, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी बात बता देंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विदित एरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून संबंधित लेटेस्ट जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अजय कुमार मानके जी, जो कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में रहते हैं। उन्होंने बैंक से लोन लिया, जो कोऑपरेटिव बैंक है वहाँ से उन्होंने लोन लिया था, लेकिन उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन इस कोरोना पेंडेमिक में जैसे सबके बिजनेस बंद हो गए, उसी तरीके से उनका भी बिजनेस बंद हो गया था। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक है उसने उनके खाते को जबरदस्ती NPA कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था 3 सितंबर 2020 का, कि अगली सुनवाई तक या फिर अगली नोटिस तक कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर के खाते को NPA नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके खातों को NPA कर दिया गया और उनको नोटिस भेजी गई और उनके खिलाफ सरफेसी एक्ट में कार्रवाई की गई। तो यहाँ पर अजय कुमार मनके जी ने विशाल तिवारी जी से, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे उन्होंने संपर्क किया और सीधे सीधे PIL फाइल की। तो यहाँ पे सीधे सीधे अजय कुमार मनके वर्सेस शशिकांत दास जी को पार्टी बनाया गया है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सुनवाई होगी कि शशिकांत दास जी ने ऐसा क्यों किया और उन्होंने बैंकों को निर्देश क्यों नहीं दिया कि वह सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि शीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बैंक नहीं मान रहे हैं और कस्टमर्स के खाते को NPA कर रहे हैं। तो अब यह देखना है कि फैसला कैसे आता है और इस पर क्या राहत और कस्टमर्स को मिलती है। तो दोस्तों, मैं लगातार ही अपने वीडियोस में कहता आया हूं कि लोन मोनिटोरियम को लेकर के जिस प्रकार से बॉरोवर के एक ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की है और आज एक नई PIL फिर से पड़ी हुई है, शशिकांत दास जी को सीधे सीधे इसमें पार्टी बनाया गया है। और यदि आपके पास भी, यदि आपके खाते को भी यदि बैंक ने NPA कर दिया है इस 31 अगस्त के बाद से दिसंबर महीने के बीच में, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है 3 सितंबर 2020 का, उसको डाउनलोड करके आप सीधे सीधे बैंकों को बता सकते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि आप किसी भी तरीके से कस्टमर के अकाउंट को NPA नहीं कर सकते हैं 31 अगस्त 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि अगली सुनवाई तक या फिर अगली नोटिस तक किसी भी खाते को बैंक NPA कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा, और यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, विदित एरिया चैनल के माध्यम से आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल विदित एरिया को सब्सक्राइब करके अपना बहुमूल्य सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।